में रहे आपके, ये इसके अंदर शामिल करते हैं। दूध इसके अंदर थोड़ा सा इसके और नरम होने दें। ये देखें तकरीबन 5 से 6 घंटे मैंने इनको जो है ना फ्रीजर में रखा, इस तरीके के देखें हमारे बन के आ गए। ये व्यूअर ये देखें मैंने तमाम को ये कोटिंग कर दी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। खूबसूरत लगते हैं, बात को समझा करें। इंशाल्लाह ऐसे रख दिया आपने, फ्राई बंद वो भी नहीं जाएगी, वो जिंगर बर्गर पे जाती है, बात को समझा करें। इस तरीके से इसको पैक कर लेते हैं, ये देखें इस तरीके से उठाते हैं, ये ऐसे 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 इस तरीके से इसमें रखते हैं, रख देते हैं और इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं। ये यहाँ पे मेरे इलाके के हिसाब से 200 रुपए का सेल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है आप तक रेसिपियां पहुंचाने का, कारोबारी लेवल पे कमर्शियल रेसिपियां और रमजान शरीफ को लेकर के रेसिपियां, वो डेली बुनियादों पर हम आप तक रेसिपियां पहुंचा रहे हैं। पैटी बर्गर तैयार किस तरीके से होता है, पैटी बर्गर का टेस्ट किस तरीके से डेवलप होता है, पैटी बर्गर फ्रोजन किस तरीके से होता है, मैं बताऊंगा आज आपको। अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन ना लें। अब मैंने कोशिश ये की है कि कारोबारी हजरात भी मेरी बात समझ लें और घर में खवातीन भी समझ लें। मैंने फार्मूला 1 kg का बता ले रहा हूँ पैटी बर्गर बनाने के लिए, कितना वेट होगा उस पैटी का, किस तरह आप फ्रोजन कर सकेंगे, मैं कंप्लीट गाइड करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह आपको। अब मेरे साथ रहिएगा। 3 पाव मैंने लिया चिकन बोनलेस, चिकन बोनलेस जिसको ब्रेस्ट कह लें आप, ये वाला मैंने 3 पाव लिया। ये देखें इसका वेट मशीन, इसको मैं वेट मशीन यहाँ करके इसको ज़ीरो कर दो, इसके ऊपर रख दें। ये 3 पाव है, ये लें जी, ये देख लें, ये 800 ग्राम मैंने ये लिया और ये 2 मेरे पास थाई के पीस हैं ये मैंने लिए। इसके अंदर रेशा होता है, ये जूसी होती है, ये खुश्क होता है, ये जो सीने का पीस है ये खुश्क होता है, ये जो है थाई ये जूसी होती है और रेशेदार होती है, ये बैंडिंग देगी हमारे इसके अंदर, ये बात ध्यान में रहिएगा। ये 1 किलो हो गया मैक्सिमम, ये देख लें 1 kg। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे इसको रख के इसके पीसेस कर लें, पहले थाई के, ये देखें ये मैंने थाई के पीसेस कर लिए, इसको यहाँ रख दें, अब ये के पीस कर लूँ मैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, और ये मेरे पास ब्रेड थी दरमियाने साइज़ की, 6 स्लाइस हैं ये, 1 किलो का फार्मूला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको मैं तोड़ के ऐसे, और ये मेरे पास तकरीबन 100 ml दूध है, ये देखें ये मैंने डब्बे वाला दूध इस्तेमाल किया, जहन में रहे आपके, इसके अंदर शामिल करते हैं दूध, इसके अंदर थोड़ा सा इसके और नरम होने दें। तब तक हमने क्या करना है, चॉपर ले लिया, सबसे पहले चॉपर के अंदर हम अपने थाई के पीस डालेंगे। थाई के पीस में पहले क्यों डालूंगा, थाई हार्ड होती है, पहले हम इसको करेंगे, उसके साथ मिक्स करके नहीं चॉप करेंगे। पहले वाली मशीन से भी कर सकते हैं, कीमे वाली मशीन में पैटी जो है ना वो आपकी अच्छी नहीं बनेगी, चॉपर ही यूज होगा, ये जहन में रहे आपके। ये मैंने चॉप कर लिया, देखें थाई इस कंडीशन में आ गया मेरा। ये अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर ये जो था ना ब्रेस्ट ये उठा के अब इसको मैंने इस चॉपर में डाल देना है, इसको कटना नहीं है, नोए दे इसमें डाल देंगे ऐसे। 1 किलो का फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ कि आपको टेंशन ना हो, आप 5 किलो का बनाएं, 2 किलो का बनाएं, इसी को सेट करते रहें। ये ले व्यूअर, ये मैंने देखें सीने का भी गोश्त डाल दिया था, थाई भी चॉप हो गई। इस टाइम पे आके ये जो मैंने ब्रेड के 6 स्लाइस मैंने इसको डिप किया था दूध में, ये इसके अंदर शामिल कर दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने तैयार करके दिखाई है, कमर्शियल लेवल पे जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो मेरी बातों को समझ लें। इस टाइम पर जब आपने ये ब्रेड शामिल करनी है, इस टाइम पर बेंजियम सोडियम बेंजोवेट, ये 2 चुटकी है, ये देख लें 1 किलो का फार्मूला सोडियम बेंजोवेट, ये इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखिए ये चीज़ है, ये मैंने पाउडर नहीं बनाया, खुद ही इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ये इसके अंदर शामिल कर दें। 2 चुटकी कह लें या थोड़ा सा कह लें, इतना है ये, इसको मिक्स कर दें। ये आपके देर तक इसको महफूज रखता है सोडियम बेंजोवेट और ख़राब नहीं होने देता चीज़ को, ये बात जहन में रखिएगा आप। ये
ये लें व्यूअर, इसको बंद कर दें। अब इसके अंदर ये जो मटेरियल है ये ज़्यादा होता जा रहा है, इसको मैं अब इस परात में निकालने लगा हूँ। इसको निकाल के फिर इसके अंदर क्या कुछ शामिल होगा आप मेरे साथ रहेंगे, फिर मैं इसको ये देखें इसको इसमें निकाल लें, इसमें मैं निकालने लगा हूँ आपकी सहूलत के लिए। फिर मैंने इसको दोबारा से चॉप करना है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ क्योंकि ये मटेरियल जो है ना ये ज़्यादा होता जा रहा था। ये देखें ये इस कंडीशन में आ गया, ये देखें ये लें व्यूअर, ये मैंने यहाँ पे निकाल के आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे रख दिया। अब इसके अंदर ये यहाँ रख लेते हैं, आप नज़र भी आता रहेगा आपको। ये देखें 5 टेबलस्पून मैदा ये शामिल कर दें, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ये शामिल कर दें, 3 टेबलस्पून घी शामिल कर दें, ये घी है 3 टेबलस्पून ये शामिल कर दें अच्छे तरीके से साफ करके। ये देखें अंडे 2 अदद ये 1 ये 2 2 अदद अंडे। अच्छा अक्सर लोग मुझे कह रहे थे कि आप अंडे इस तरह डाल देते हैं और फिर बाद में वो ख़राब हो या ठीक हो आपको कैसे पता चलता है? भाई हमने कई दफ़ा आपको पहले बताया, अंडे नंबर 1 तो मैं चेक करके रखता हूँ, नंबर 2 मेरे हाथ में अंडे बता देते हैं कि ये ख़राब है या ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? ये चीज़ आपको क्लियर कर दी कि ठीक करके रखे होते हैं यहाँ पर, जो साफ़ होते हैं वही रखे होते हैं। 1 टेबल स्पून नमक या अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो लोग घरों में बना रहे हैं जो कारोबार कर रहे हैं 1 टेबल स्पून ही जाएगा नमक का, सादा नमक लाहौरी ये जहन में रहे। वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च पीसी हुई 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून पपरिका पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पीसी हुई, मस्टर्ड पाउडर 1 टेबल स्पून, अदरक का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, लहसुन का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टेबल स्पून ये इसके अंदर शामिल कर दें। ये लें व्यूअर, इसको फिलहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स कर लें, उसके बाद इसको फाइनल मैं इसको चॉप करूंगा, उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट होगा। अगर कोई चीज़ शामिल करनी पड़ेगी कॉर्नफ्लोर मैदा या कोई भी चीज़ वो बाद में होगी, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। ये देखें इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लें इस तरीके से, इस तरह मिक्स करके इसको मैं दोबारा चॉपर में डालने लगा हूँ। ये देखें इसको अब आधा आधा करके चॉपर में डाल दें दोबारा से। ये देखें इसको अच्छे तरीके से चॉप करना है हमने दोबारा से, 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करके इसको चॉप करेंगे। ये लें व्यूअर, इसको यहाँ से उठा लें या एक साइड पे डाल दूँ इसको, मैं निकाल लूँ इस तरीके से और दूसरे वाले को भी मैं इस तरीके से चॉप कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें व्यूअर, इस टाइम पे आके देखें जब हमने इसको इस कंडीशन में आ गया, ये देख लें ये हमें इस तरह का चाहिए, बिल्कुल मुलायम चाहिए इस तरह का। देखें इस टाइम पे आके जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि हम यहाँ पे इसको फाइनल करेंगे, अब आके इस टाइम पे आके ये मेरे पास मैदा है, ये कॉर्नफ्लोर है, ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और शामिल कर दें। ये देखें और ये मैदा है 4 टेबलस्पून ये शामिल कर दें इस टाइम पे आके और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँ इस तरीके से, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें व्यूअर, ये देखें इस कंडीशन में अब आ गया है। अब मैंने इस तरह का एक कवर ले लें या बाजार से इसका पूरा पैटी जो है ना एक मिल जाता है रिंग बना हुआ वो ले लें। ये एक बर्गर मैंने लिया हुआ है, मैंने इसके साइज को ऐसे मेजरमेंट कर लिए, देखें इस तरीके से ना, इस तरीके से मैंने मेजरमेंट कर लिया है। ये लें व्यूअर 80 ग्राम की जो है ना एक पैटी तैयार होगी, ये यहाँ पर रखें। ये देखें ये 80 ग्राम हम इसको यहाँ पर वजन करने लगे हैं, ये देखें 80 ग्राम हो गया। इससे ज़्यादा ना लीजिएगा, इस तरह का कवर ले लें। ये आयल है मेरे पास, इसके अंदर इस तरह आयल लगा लें, गार्निश कर लें आयल की। ये उठा के 80 ग्राम ये इसके अंदर जो है ना चिकन जो हमने बनाया था पैटी का, इसके अंदर ऐसे डाल दें इस तरीके से। ये देखें इसको ऐसे फैला लें अच्छे तरीके से,
ये देखें इस तरीके से, थोड़ा सा ऑयल लगाएं ऊपर वाली साइड पे इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। ये बाज़ार से मिल भी जाती है, ये जो इसका बनाने वाला होता है ना सांचा, वो भी मिल जाता है, कोई मसला नहीं है। फिर इसको इस तरीके से करके आप निकाल लें, ये देखें, ये देखें, इसको यहाँ पे रख दें। ये तमाम जो है ना इस तरीके से 80-80 ग्राम की मैं बनाऊँगा। ये देखें आपको और बना के दिखा दूँ, ये देखें 80 ग्राम। ये ऑयल ले लें, इसमें लगा दें, ये उठा के इसमें लगाएं। हाथ जो है ना आपके ऑयली होने चाहिए, ये इस तरीके से इसको इस तरीके से फैला लें। इससे ज़्यादा वजनी ना बनाइएगा, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो मेरी बात को समझ लें। ये इस तरीके से इसको ऑयली हाथ ऊपर से ऐसे लगाएंगे आप, क्योंकि अभी हमने इसको इसके ऊपर जो कोटिंग वगैरह करनी है सब कुछ करना है, फिर ये ज़्यादा वजनी हो जाती है। अगर इससे ज़्यादा आप वजनी बनाएंगे ना, फिर इसको इस तरीके से निकाल दें। देखें ये देखें, चलें। और इस तरीके से मैं ये जो है ना सारी इस तरीके से तैयार कर लूँ 80-80 ग्राम की, उसके बाद फिर जो है ना मैं आपसे मिलता हूँ तमाम को बना के। ये ले और ये इस तरीके से मैं बनाता आ रहा हूँ। इसको बनाने के बाद मैं 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगा, ये बात आपके जहन में रहे। 3 घंटे के बाद फिर ये किस कंडीशन में होगी, ये अभी फ्रोजन की तरह, अब फ्रोजन नहीं करनी इस कंडीशन में। अभी मैं 3 घंटे के लिए रख रहा हूँ, उसके बाद इसकी कोटिंग करूँगा, फिर इसके ऊपर क्या चीज़ लगेगी आप मेरे साथ रहेंगे। 3 घंटे मैं इसको ऊपर वाले खाने में फ्रीज़र में रखने लगा हूँ, 3 घंटे के बाद मिलते हैं। ये लें व्यूअर, ये देखें तकरीबन 5 से 6 घंटे मैंने इनको जो है ना फ्रीज़र में रखा। इस तरीके के देखें हमारे बन के आ गई है पैटी हमारी, बिल्कुल देखें इस तरीके की रेडी हो गई है। फ्रोज़न किस तरीके से करना है, ये 1 किलो कीमा मैंने लिया था, कितनी तैयार हुई हैं, इनका टेस्ट किस तरीके से बनेगा, आप मेरे साथ रहेंगे। ये 25 तैयार हुई हैं 1 किलो में। अब इनकी पैकिंग किस तरीके से करनी है, किस टाइम पे करनी है, मैं आपको बताऊँगा। पहले इनकी कोटिंग करनी है ऊपर वाली, ऊपर वाली कोटिंग कैसे करनी है। ये मेरे पास मैदा है, ये देखें ये मैदा ले लें, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 स्पून इसके साथ के मैंने ले लिए। जितना हमने मैदा लिया उससे हाफ हम कॉर्न फ्लोर लेंगे, ये देखें ये 1 और ये हाफ, ये हो गया। ये मेरे पास चावलों का आटा है, राइस फ्लोर जिसे कहते हैं आप, ये मेरे पास ये देख लें, ये 1 टेबल स्पून ये वाला, ये खस्तापन लेके आएगा, इतना ये डाल दें। मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में जब इसको तैयार कर रहे होंगे उस टाइम हम इसको देखेंगे। ये ब्लैक पेपर है, ये 1/2 टेबल स्पून, ये देखें 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दें। नमक है, 1/2 टेबल स्पून नमक इसमें शामिल कर दें, ये देखें 2 अदद अंडे इसमें जाएंगे, ये 1 और ये 2। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इस तरीके से, ये देखें। और हल्का हल्का पानी अब मैं डालूँगा इसको, इसका मिक्सचर तैयार करूँगा, ये देखें हल्का हल्का ऐसे डालना है आपने, ये देखें। ये लो व्यूअर, ये मैं इस तरह मिक्स कर रहा हूँ, इसके अंदर गुठली वगैरह ना हो, ये मैं मिक्स कर लूँ अच्छे तरीके से, आपको इसकी थिकनेस भी बताऊंगा। अजाने भी हो जाएं, अजाने हो जाएं, फिर मिलते हैं आपसे। ये लें और ये देखें इस तरह का मैंने बना लिया, ये देखें ये इसकी थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए, ये देख लें आप गौर से, ये देखें इस तरह का बैटर तैयार कर लें आप। मैंने इसको इसी चम्मच से घुमा के कर लिया, आप अंडा फेंटना से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो ये होनी चाहिए, देखें इस तरीके से इतनी। अब आपने करना क्या है, इसको साइड कर दें थोड़ी देर के लिए। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्ब थे वाइट वाले, मैंने ये थोड़े से मोटे थे, मैंने इनको हल्का सा बेलने की मदद से इनको जो है ना पीस लिया, इनके हाँ क्रश कर लिया, इनके जो साइज़ है वो छोटा कर लिया मैंने। ये आपके जहन में रहे कि इनको आपने छोटा करना है। अब इसमें आपने क्या शामिल करना है, इसके अंदर आप ये टेबल स्पून है मेरे पास, ये देखें ये 1, ये 2, ये 3 टेबल स्पून मैदा और 1.5 टेबल स्पून चावलों का आटा, ये शामिल कर दें। और ये 1.5 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर, ये शामिल कर दिया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें।
गैस अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। ज़बरदस्त किस्म का पैटी तैयार होने वाला है, मुकम्मल बर्गर बना के आपको दिखाने वाला हूँ मैं। ये देखें गैस तैयार हो गया। अब आपने करना क्या है, ये एक हाथ से इस हाथ से एक ये पैटी उठाएं, इसके अंदर डिप करें इस तरीके से, जो एक्स्ट्रा से है वो अच्छे तरीके से निचोड़ दें इस तरीके से, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, बस जो इसके ऊपर लगे वही लगनी चाहिए। ये देखें लग गई। अब इसको इसमें डाल दें, दूसरे हाथ से इसको अच्छे तरीके से ऐसे ब्रेड क्रम वाला जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ये लगा दें। ये देखें ऐसे, फिर दूसरे उठा लें इस तरीके से डिप कर दें। बैटर को अच्छे तरीके से किस चीज़ से भी उतार सकते हैं आप, ये देखें, ताकि एक्स्ट्रा ना हो, बस हमें जो है ना पूरा चाहिए। इस तरीके से करके इसमें डाल लें, दूसरे हाथ से इसके ऊपर ये ब्रेड क्रम का जो हमने तैयार किया हुआ है मिक्सचर इसमें ऐसे डिप करते रहें इस तरीके से। ये देखें, ये ना इस तरीके से करें, इसको कोट करें बीच में, एक्स्ट्रा से उतार लें। ये देखें जो भी एक्स्ट्रा है ना वो उतार लें, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसके अंदर आप डाल दें, फिर ऊपर से इस तरह कोटिंग करें इस तरीके से। देखें इस शेप में ये सारे आ जाएंगे। मैं ये सारे इस तरीके से कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, ये देखें मैंने तमाम को ये कोटिंग कर दी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। अब मैं इनको दोबारा से फ्रीज़र में रखने लगा हूँ, उसके बाद ये जगह यहाँ से साफ़ कर लूँ, इसकी फ्राई की तरफ आते हैं और बर्गर बनाने का कंप्लीट तरीका आपको बताता हूँ। फिर इसकी पैकिंग का भी बताता हूँ, कितने पीस आप डालेंगे एक बैग में, कितने का सेल होगा, किस तरीके से फ्रोज़न होंगे, इस टाइम पर आके ये फ्रोज़न हो जाएंगे। अब आपने फ्रोज़न करने हैं, जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएं घंटे दो के बाद फिर पैकिंग करनी है आपने। छः छः के पीस होते हैं, वो कितने के सेल होते हैं, कितने के मिलते हैं मार्केट से, मुकम्मल गाइड करूंगा मैं आपको। ये लें जी, अजाने हो गए हैं व्यूअर। इसके साथ की जो सलाद कटर था इससे मैंने ये बंद गोभी काट ली, इस तरह क्रैश कर ली, और ब्रेक, और ये मैंने मायोनीज ले ली। ये इसका तरीका मैंने आपको रेसिपी पहले दी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। अब इसको मायोनीज मैंने ले ली, ये बंद गोभी उठा के मैं इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ। ये देखें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें मायोनीज के अंदर इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से, आप कहेंगे कोई चीज़ अलहमदिल्ला तैयार हुई है, थोड़ी सी और तैयार इसको मिक्स कर दें इसके अंदर। ये देखें, ये जो ड्राई बंद गोभी है ना ये जिंगर बर्गर में जाती है, पैटी बर्गर जो तैयार होता है उसके अंदर ड्राई बंद गोभी नहीं जाएगी, मायोनीज के अंदर मिक्स करके फिर शामिल होगी। ये देखें इस तरह की हम बना लें, ये देखें इसको साइड पे कर दें ऐसे, फिर यहाँ पे आ जाएं। ये मेरे पास टमाटर है, इसको राउंड काटना है मैंने। मैं आपको तीन से चार बर्गर बना के बताने लगा हूँ, तमाम स्टाफ का रोज़ा है इसीलिए हम उससे ज़्यादा नहीं बना सकते, या सिर्फ मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ। इस तरीके से राउंड काट लें टमाटर। ये नहीं हो रही है, खीरा एक ले लिया हमने। अब खीरे को हमने किस तरीके से काटना है, हमने गुलाई में नहीं काटना, इसको राउंड काटना है, ये इस तरीके से। ये देखें मैं आपको बता दूँ तरीका, ये इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, हमें बड़े साइज में चाहिए इस तरीके से ना, ये इस तरह के स्लाइस चाहिए हमें इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये मैं काट लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लेवर, ये हमने देखें निकाल लिए, जो घी है हमारा गर्म हो गया है, इसको हमने स्लो आंच पे 6 मिनट फ्राई करना है। डीप फ्राई होंगे ये, स्लो आंच पे 6 मिनट। जो मार्केट से आपको मिलते हैं उनके ऊपर इस तरीके से वो मेहनत नहीं की होती, ना कोटिंग इस तरीके से होती है, क्रम्स भी बहुत ब्रेक वाले लगे होते हैं। मैंने आपको ज़रा क्वालिटी बेहतर करके बना के दिखाया, अगर आप लो क्वालिटी के कहेंगे तो वो भी हम आपको बनाना सिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। आप इसमें, मैं 3 पीस उठा के फ्राई करूँगा, आपका अगर फ्लेम हाई होगा तो ये कलर आ जाएगा, ये अच्छे नहीं बनेंगे। 6 मिनट इनको घी के अंदर आपने रखना है स्लो फ्लेम पर। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें फ्लेम मेरा स्लो है। मैं इनको 6 मिनट के बाद, सेंटर में भी आपको कैमरामैन दिखा देगा इसकी कंडीशन, ये 6 मिनट कंप्लीट हो जाएं फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले वाली, देख लें इनकी कंडीशन, ये कोई चीज़ नहीं ऊपर से उतरी वगैरह, सब कुछ सेटिंग से। ये देखें, लेकिन आपने इस फ्लेम पे इनको फ्राई करना है स्लो फ्लेम पे, हाई तेज विच नहीं दब देना। ये लें व्यूअर, फ्लेम को बंद कर दें। ये मेरा 100 से 90 से 100 के दरमियान टेम्परेचर था,
इससे ज्यादा इन पे ना कीजिएगा। 6 मिनट में ये कलर भी आ गया, फ्राई भी हो गया जबरदस्त किस्म के। ये देखें इस कंडीशन में आ गए, इनको यहाँ पे निकाल लें। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, नहीं तो मैं सारे आपको फ्राई करके भी दिखाता। अब मैं इस टेबल को, वर्किंग टेबल को क्लियर कर लूँ यहाँ से, आपको इसकी पैकिंग का तरीका बता दूँ, रेट की तरफ आऊँ, फिर मैं मिलता हूँ आपको 2 मिनट के बाद। ये रेवल, मैंने ये 3 बर्गर ले लिए इसके साइज के गोल वाले, ये पैन को ऊपर चढ़ा दिया। इनको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँ, हल्का सा रोस्ट जिसे कहते हैं आप, हल्का हल्का मैं इनको रोस्ट कर लूँ तीनों को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दोनों चीज़ें कर लूँगा मैं, रोस्ट ये भी कर लूँगा और कवर भी कर लूँगा इनके। ये नहीं, मुझे सिर्फ इस तरह का कलर चाहिए इनका बस। ये देखें, इसे ज़्यादा नहीं चाहिए। कमर्शियल रेसिपी मैंने पहले आपको बताई हुई है, हम तो वो पिज़्ज़े वाले ओवन होते हैं उसी में कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आप लोगों की मोहब्बत में समझाने के लिए हम इस तरीके से आपको सिखा रहे हैं, ताकि मेरी जो स्टूडेंट हैं वो भी सीख लें हर तरीका, और जो मेरी ख़वातीन माएँ बहनें घर में काम करना चाहती हैं वो भी देख लें। क्योंकि कमर्शियल तो मैंने बहुत रेसिपियाँ बनाई, आप लोगों को प्रॉब्लम होती थी। ये रोस्ट हो गए, चूल्हे को बंद कर दिया, इनको यहाँ पे ले आए, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। बहुत प्यारी भीनी भीनी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनका क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो हमारी पैटी तैयार हुई है इसका क्रिस्पीपन दिखाऊंगा। ये कैमरामैन को कहूँगा, ये देखें, ये देखें। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ये टमाटो कैचअप है मेरे पास, इसकी रेसिपी मैंने पहले आपको दी हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। सबसे पहले आपने टमाटो कैचअप नीचे लगा, नीचे वाले हिस्से पे ऐसे लगाना है, ऐसे ऐसे लगा दिया। फिर आपने ये जो खीरा मैंने आपको बताया था, ये खीरे दो ऐसे रखने हैं, ये इस तरीके से ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे। ये आप जिस तरह मैंने काटे इस तरह काटेंगे तो ये थोड़े से बाहर को निकले हुए होंगे, खूबसूरत लगते हैं। बात को समझा करें, टमाटर के जो मैंने आपको बताए थे ये ऐसे रख दें दो, ये इस तरीके से, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इंशाल्लाह। ऐसे रख दिया आपने, मेरी बात को समझा करें, तवज्जो से सुना करें। ये पैटी उठाएँ, ये इसके ऊपर ऐसे रख दें, ये उठाएँ, ये इसके ऊपर ऐसे रख दें, ये उठाएँ, ये इसके ऊपर ऐसे रख दें, क्या ही बात है माशाल्लाह। ये जो बंद गोभी मैंने आपको बताई थी मायोनीज में मिक्स करके, ये लगेगी इसके ऊपर, इसके ऊपर ड्राई बंद गोभी नहीं जाएगी, वो जिंगर बर्गर पे जाती है। बात को समझा करें आप मेरी को, ये इसके ऊपर लगा दें ऐसे, क्या ही बात है, ये इसके ऊपर लगा दें ऐसे, इस तरीके से ऐसे, ये थोड़ा सा इसके ऊपर और लगा दें। ये नवी वाली इस टाइम पर आके ये थोड़ा सा ये जो टमाटो कैचअप था इसको यहाँ पर इस तरीके से डाल लें आपने, और इसके ऊपर ऐसे रख दें, थोड़ा सा वजन दे दें, थोड़ा सा ऐसे, ताकि वो जो रेडनेस है टमाटो केचप की रेड वाला, वो थोड़ा सा नीचे को आ जाए ऐसे ऐसे। ये देखें इधर इस साइड से, ये देखें इस तरीके से। फिर आप थोड़ा सा इसके ऊपर टमाटो केचप इस तरीके से लगाएं, फिर इसको ऐसे करें, ऊपर से हल्का सा दबाएँ ऐसे, बस इतना सा, ये ऐसे। फिर आप टमाटो केचप लगाएं इस तरह एक पीस पे, फिर आप इसको इस तरीके से हल्का सा ऐसे दबा दें, ये ऐसे। अगर आप ड्राई बंद गोभी इसके अंदर डालेंगे तो वो पैटी बर्गर में खूबसूरत नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। अब ये बटर पेपर है, अक्सर रेस्टोरेंट पे या जो लोग ये सेल करते हैं, ये बटर पेपर में इस तरीके से इसको पैक कर लेते हैं। ये देखें इस तरीके से उठाते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और ये इस तरीके का। ये मैं आपको कवर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके जो रेस्टोरेंट हैं, जो भी काम है, वो आप अपने हिसाब से, आपके नाम के डब्बे बने होते हैं, ये इस तरीके से इसमें रख देते हैं और इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं। ये यहाँ पे मेरे इलाके के हिसाब से 200 रुपये का सेल होता है, ये जो मैंने है इस तरीके से तैयार करके 200 रुपये का देते हैं। ये जो 1 किलो चिकन में मेरा टोटल खर्चा जो आया वो 600 रुपये आया, इस कंडीशन में लाते लाते 25 पीस को, ये एक पीस मुझे 24 रुपये का पड़ा, कास्ट इस पर 24 रुपये आई। और मैंने मार्केट से इसका रेट पूछा, इससे भी वो मियारी नहीं थे, मकसद है कि वो कोई ख़ास क्वालिटी के नहीं थे, लेकिन वो 6-6 का उन्होंने पैकेट बनाया हुआ था, 700 रुपये उनका रेट था, 699 रुपये के थे। मैंने किसी ब्रांड का नाम मैंने आपको कई दफ़ा कहा मैं नहीं ले सकता, किसी कंपनी का नाम मैं नहीं ले सकता, कुछ हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन 699 रुपये रेट था 6 पीस का, 24 रुपये इस पर खर्चा आया मेरा टोटल, और वो 120 रुपये का एक ये जो है ना आप इसको सेल कर रहे हैं फ्रोज़न करके, फ्रोज़न आइटम करके। आप कारोबार करें, बिजनेस करें
मैंने आपको कई दफा कहा कि हाफ से भी ज्यादा प्रॉफिट है फूड के काम में, आप करके देखें इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो और बाबा फूड का ये कदम जो बेरोजगारी के खात्मे के लिए मिशन शुरू किया हुआ है ये आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली दुनिया में मुझे जहां देखा जा रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटे का बटन है उसको दबा दें, लाइक कर दें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कर दें, फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक कर दें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।